हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं पूजा। और इस लॉकडाउन में अगर आप बाजार वाली कुरकुरी आलू की टिक्की खाना चाह रहे हैं तो आप इसे बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। और इसका जो टेस्ट होगा यकीन मानिए बाज़ार से भी बहुत अच्छा होगा। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे चार बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और आलूओं को उबाल करके मैंने इसको एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि जो भी इसका मॉइस्चर और नमी है वो ख़त्म हो जाए। और हमें यहाँ पे आलूओं को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना होता है। तो क्या करेंगे, इसका जो छिलका होता है पहले उसे उतार लेंगे सारा। मैंने सभी आलूओं को छील लिया है जिसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डाल देंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं या ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। रेड चिली पाउडर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप चावल का आटा, जो हम लोग चावल डेली घर में खाते हैं उसको मैंने मिक्सर में पीस लिया है, बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है मैंने। चावल का आटा डालने से आलू की जो टिक्की होती है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे इसमें फ्लेवर के लिए, बहुत अच्छा खट्टापन आएगा इसे। आप सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से, अच्छे से मिक्स करना है बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ पे आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। आलू में बिल्कुल भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। और फ्रिज में रखने से क्या होता है, आलू जो होते हैं बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। देखिए इसका जो डो जैसा बन गया है ये आलूओं का, बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए, बिल्कुल ड्राई, ये देखिए। तो आप आलूओं को जब भी आप उसे बॉयल करें तो उसे एक घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखें। अच्छे से ये मिक्स हो गया है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल ड्राई है ये इसका डो। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये मेजरिंग कप लिया है टिक्कियों को बनाने के लिए। आप टिक्कियों को हाथ से भी बना सकते हैं पर मैं यहाँ इस मेजरिंग कप से बनाऊँगी। तो सभी जो टिक्कियाँ हैं बहुत अच्छी और एक शेप की बनेंगी। जिसे सबसे पहले ऑयल से चिकना कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो ये आलूओं का डो बना के रखा है उसको बराबर भागों में बांट लेंगे ताकि जो टिक्कियाँ हैं वो बिल्कुल एक साइज़ की बने। तो मैं यहाँ इसे 8 बराबर भागों में बांट लूँगी। और बिल्कुल बाजार जैसे आलू की टिक्की बनाने का सिर्फ एक ही ट्रिक है कि आप जो ये आलू जो उबालें तो आप उसको फ्रिज में ज़रूर रखें 1 से 2 घंटे के लिए। इससे आलूओं की नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है। और आप उसमें चावल काटा ज़रूर यूज़ करें। अगर चावल काटा नहीं है तो आप नॉर्मली जो डेली चावल खाते हैं आप उसको मिक्सर में बिल्कुल फाइन पाउडर बना लें। ये देखिए मैंने जो मेजरिंग कप लिया था, अब हाथों पे भी ऑयल लगा लेंगे, थोड़ा सा हाथों को चिकना कर लेंगे। अब एक डो लेंगे आलू का, अब इसको इस तरीके से कप में रखते हुए इसको प्रेस प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करेंगे नहीं तो फिर ये निकलेगा नहीं इसमें से। हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे, बस इसको शेप देना है हमें इस तरीके से। अच्छे से इसको उंगलियों से प्रेस कर लेंगे। देखिए बस ये हो गया है, अच्छे से मैंने इसको शेप दे दिया। आप इसको टैप करेंगे 1-2 बार, देखिए बहुत ही आराम से निकल आता है। बस आपको इसे ज़्यादा प्रेस नहीं करना नहीं तो फिर ये उसमें चिपक जाएगा तो फिर निकलता नहीं है आसानी से। इसी तरीके से हम सभी को बना लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके से मेजरिंग कप नहीं है तो आप जो टिफिन के ढक्कन होते हैं आप उनसे इसे बना सकते हैं, या फिर हाथों से भी आप इसे टिक्की के जैसा बना सकते हैं। या फिर आपके पास जो कंटेनर होते हैं जिसमें आप किचन का सामान रखते हैं उसके ढक्कन से भी आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए इसी तरीके से मैं सभी को बना लूँगी। बस हल्का हल्का इसको प्रेस करना है। और ये देखिए मैंने सभी आलू की जो टिक्कियां हैं वो बना ली हैं, तो अभी इन्हें हम फ्राई करेंगे। और देखिए देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। और यहाँ पे मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था और ऑयल यहाँ पे अच्छे से गरम होना चाहिए। अब एक एक करके जितनी टिक्कियाँ आ जाएंगी मैं इसमें डाल दूँगी। और गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखेंगे, ज़्यादा लो फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में हम लोग गैस का फ्लेम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करना है। अब इसको डाल करके इसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे जब तक कि नीचे की साइड से नहीं सिक जाता ये। और ये देखिए नीचे की साइड से ये फ्राई हो गए हैं, कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो अब इनको हम पलट देंगे और इसको डालने के बाद इसको आप बिल्कुल भी टच ना करें, आप इसको ऐसे ही छोड़ दें फ्राई होने दें। जब नीचे की साइड से सिक जाए उसके बाद ही आप इसे पलटें, नहीं तो जो टिक्कियाँ होती हैं फटने का डर होता है। तो डालने के बाद ही आप बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दें।
और 4 से 5 मिनट लग जाते हैं इनको एक साइड से फ्राई होने में। तब इसको पलट के दूसरी साइड से फिर इनको ऐसे हमें फ्राई करना है अच्छे से गोल्डन कलर आने तक, और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। और ये देखिए जो टिक्कियाँ हैं बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रही हैं, बस इनको ऐसे लटते पलटते हुए फ्राई करना है। और ये देखिए फिर दोनों साइड से जो टिक्कियाँ होती हैं अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गई हैं, बस थोड़ा सा और इन्हें फ्राई कर लेते हैं तो ये और ज़्यादा ये क्रिस्पी हो जाएंगी। और ये देखिए आलू की जो टिक्कियाँ हैं ये फ्राई हो गई हैं, इन्हें फ्राई करने में 8 से 9 मिनट लग गए हैं क्योंकि ये थोड़ी बड़ी बड़ी थी और थोड़ी सी ये मोटी भी थी तो इन्हें फ्राई होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है। अब इसी तरीके से बाकी की जो टिक्कियाँ बची हुई उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। और अब आप इनकी आवाज़ सुनिए कितनी ज़्यादा ये कुरकुरी और क्रिस्पी बनी है, जैसा हम लोग बाज़ार में खाते हैं ना बिल्कुल उतनी ही क्रिस्पी है ये और उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं। आप लोगों को ये कुरकुरी आलू टिक्की की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।